लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए ज्वालामुखी प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जितने भी संबंधित चुनाव क्षेत्र में लाइसेंस शुदा हथियार हैं, उन्हें नजदीकी पुलिस थानों में जमा करवाया जाए, नहीं तो हथियार जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसपी आरपी जसवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी लाइसेंस धारक हथियारों को फोन कर उनके हथियार जमा कराने को कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 70% लोग अपने हथियार जमा करवा चुके हैं और जल्द ही 100% हथियार जमा हो जाएंगे। हमने जितने भी लोगों के पास हमारे जिक्शन में सब डिवीजन में ज्वालामुखी सब डिवीजन में लोगों को वेपन्स के लाइसेंस इशू हुए हैं, वो हमने एक लिस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय से धर्मशाला से प्राप्त कर ली है, जिसके अनुसार हम एक एक व्यक्ति को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं और उनके वेपन्स को हम अपने पास पुलिस स्टेशन में जमा करवा रहे हैं। अब तक इस अभियान के तहत 70% वेपन जो हम जमा हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम इसको 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो इलेक्शन के टाइम में जो व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं वो है शराब, नशा या पैसे की तस्करी, उसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम्स जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर नाका लग इंस्टॉल कर दिए गए हैं और बड़ी जल्दी से एसएसटी टीम्स भी चालू हो जाएंगी, अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण अवैध तरीके से पैसा शराब आदि की भी तस्करी की जाती है, उसे रोकने के लिए पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बना दी हैं जो निरंतर उपमंडल में कार्यरत हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और नाके लगाकर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है। लोगों से अपील है कि इस चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।